इस वक्त मैं रोहिणी के होटल में हूँ, जहाँ पर अंजलि अपने दोस्त के साथ आई थी। क्या कुछ हुआ इस पर बात करते हैं होटल के स्टाफ से। भैया क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित बताइए कि जो दो लड़कियाँ थीं वो कब आई थीं, क्या यहाँ पर पार्टी थी, क्या कुछ हुआ था? ये दो लड़की आई थी, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा इनका आपसी का। हम गए फिर कि मैम आप ऐसे लड़ो मत, हमारे आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब होते हैं। बोल रही ओके भैया हम नहीं लड़ेंगे। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर ये लड़ने लग गए, फिर लड़ते लड़ते बाहर भी गई हैं लड़ते, हमने ही भगाया इन्हें। फिर नीचे भी गई है लड़ते लड़ते, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये अपनी स्कूटी उठाई 12 बजे के बाद, फिर अपने चली गई। तो यहाँ से कितने बजे निकली बोलो? 12 बजे के बाद ही निकली, के बाद ही निकली। एक्चुअली टाइम याद नहीं, निगर लग चुका था उसके बाद ही। अच्छा जी, 31 की रात को ही हुआ। झगड़ा किस बात को लेके हुआ ये मालूम नहीं, हमने पूछा, वो कह रहे हमारा आपसे प्रॉब्लम है। आपसे पुलिस आई थी? कल आई थी। वो रजिस्टर वगैरह उन्होंने लिया, अपना डीवीआर अपनी इंक्वायरी करी, उन्होंने वो अपने चले गए। अच्छा अच्छा, कल पुलिस आई थी ना? हाँ जी। अच्छा। तो ये होटल का स्टाफ है जो बता रहा है कि दोनों लड़कियां यहां 7 बजे पहुंची थीं, और ये जो कमरे हैं, ये तमाम जो कमरे हैं, यहाँ पर गेस्ट रुके हुए थे, और यहाँ पर लड़कियों का यानी कि अंजलि का अपनी सहेली से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, तो होटल के स्टाफ ने दोनों लड़कियों को बाहर भगा दिया। आप देखिए कि ये जो होटल है, यहाँ पर ओयो होटल है, तमाम यहाँ पर कमरे हैं। 31 तारीख की रात में यानी कि 31 को यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हुए थे, और नई साल की पार्टी जो होती है वो चल रही थी। इसी बीच 7 बजे दोनों लड़कियाँ यहाँ पर पहुँची, उनका झगड़ा हो गया, और झगड़े के बाद जो है वो लड़कियां यहां से होटल के स्टाफ ने भगा दी। तो ये वही होटल है, इसमें कई सारे कमरे हैं, और 31 को यहां पर झगड़ा हुआ। अब मैं दिखाता हूं कि यहां पर जो पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मिला है वो कहां मिला है, उसको लेकर भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस को, वो फुटेज बाहर का मिला है, जिसमें अंजलि अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर जाते हुए दिखाई दे रही है। अंजलि ने पिंक रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, जबकि उसके दोस्त ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। ये देखिए जो सीसीटीवी फुटेज में आपको गुब्बारे नज़र आ रहे हैं, ये वो गुब्बारे लगे हुए हैं, और यहाँ से सामने अंजलि अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर बैठी। वो वक्त था रात करीब 1:45 का जब वो यहाँ से निकली। तो होटल का जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो भी बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने देखा, और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अंजलि अपने दोस्त के साथ निकल रही है। इसके बाद में जो अंजलि है वो अपने दोस्त को स्कूटी से नीचे उतारती है, और फिर बाद में वो खुद स्कूटी ड्राइव करती है और घर तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही दुर्घटना हो जाती है, जिसमें अंजलि है वो गाड़ी के एक्सल में फंस जाती है, और 13 किलोमीटर तक उसको आरोपी घसीटते हैं। तो ये काफ़ी अहम जानकारी है यहाँ से होटल से। ये होटल रोहिणी के सेक्टर 23 में है, और जहाँ पर दुर्घटना हुई वहाँ से करीब 15 मिनट की दूरी पर है। तो पुलिस ने अब होटल के स्टाफ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, और पूरे रूट का सीसीटीवी देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ से वो गई थी, ये सारी जानकारी पुलिस ले रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।